जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, ये जो विंडो है ये हम 4.5 मीटर के हाइट तक ले जा सकते हैं। तो एक सिंगल 4.5 मीटर अराउंड 15 फीट हो गया, तो 15 फीट टॉल हो सकता है एक सिंगल विंडो। एंड विथ में इसका जो एक सिंगल शटर है ये अराउंड 2.5 मीटर विथ में हो सकता है, तो 8 फीट से ज़्यादा वाइड हो सकता है एक सिंगल शटर। इसे हम कॉर्नर ओपनिंग सोल्यूशन बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो विंडोज़ लगे हैं या दो डोर्स लगे हैं, ऐसा है, जो एक सेंटर में मीट हो रहा है। अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये पूरा कॉर्नर आपका ये ओपन हो गया, ये पूरा कॉर्नर आपका ओपन हो गया है। सो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि आपको एक पिलर मिलेगा या एक फ्रेम मिलेगा, बट हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वंस यू ओपन इट ये पूरा कॉर्नर आपका क्लियर हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू एसटेक 2023 और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंटारनिया विंडोज बाय हिंडालको द आदित्य बिरला ग्रुप के पास, और यहाँ पर देखने वाले हैं इनके डोर्स एंड विंडोज़ के बारे में। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो मैम, कैसे आप? आई एम गुड, थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यस यस, आई थिंक लास्ट ईयर भी आपने काफ़ी अच्छा कवरेज किया था हमारे लिए, सो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। जी, सो इस बार आप लोग क्या नया प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनको अपने कंपनी के बारे में और क्या क्या आप करते हो उनके बारे में बताएंगे? सो हम हिंडालको का पार्ट है। हिंडालको इज़ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी इन द वर्ल्ड। इट इज़ द पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। We supply to many high-end applications. All luxury car body is made of Hindalco aluminium. Boeing and Airbus, you know, aeroplanes के body के लिए हम material supply करते हैं. You know, many aerospace mission, you know, outer space mission के लिए भी हमने material supply किया है. तो हम काफ़ी high precision applications में supply करते हैं. And you know, हमारे काफ़ी R&D centers है across the world. And उन R&D centers की expertise को use करके हमने एक material develop किया है जिसका नाम है ड्यूरेनियम। सो ड्यूरेनियम इज अ पेटेंटेड एलॉय विच इज स्ट्रॉन्गर देन रेगुलर एल्यूमिनियम। सो उसी ड्यूरेनियम को यूज करके हमने ये अपने डोर्स एंड विंडोज बनाए हैं। आप ड्यूरेनियम के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। सो हाई विंड लोड रेजिस्टेंस, मतलब कि जब साइक्लोन्स आते हैं तो उस टाइम पर यू नो आपको विंडो को आपके घर को प्रोटेक्ट करना है, तो ड्यूरेनियम के बने हुए विंडो उसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये मटेरियल ऐसा है कि हमारे डिज़ाइंस बहुत ही स्लीक और स्लिम है, तो हम वो स्लीक और स्लिम डिज़ाइन ऑफर कर पा रहे हैं विद द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ड्यूरेनियम। तो जो भी आप अपने यहाँ विंडोज़ या डोर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें जो मटेरियल लगा रहे हो वो आपने खुद प्रोड्यूस किया है, आपने R&D करके अपना नया एक मटेरियल तैयार कर लिया? यस यस, ये एल्यूमिनियम का ही एक वेरिएशन है, लेकिन हाँ मतलब इसे इसमें कुछ एडिशंस किए हैं हमने, कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि ये स्ट्रॉन्गर बन गया। इसका नाम है ड्यूरेनियम। तो क्या कंपेरिजन अगर करें एल्यूमिनियम के में और इसमें, तो कंपेरिजन क्या रहता है उसमें? तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यू नो 30% से ज़्यादा यू नो स्ट्रेंथ है इसमें वर्सेस द रेगुलर एल्यूमिनियम विच इज़ यू नो नॉर्मली यूज इन दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। एंड इनफैक्ट ये हमने IIT दिल्ली के साथ प्रिपेयर किया है, एंड यू नो अभी एक साइंटिफिक जर्नल में इसके ऊपर एक पेपर भी पब्लिश किया है टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द बेनिफिट्स ऑफ ड्यूरेनियम। और अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो वेट इज़ नॉट द राइट मेजर। इसका करेक्ट मेजर ये होता है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कितना स्ट्रेंथ, कितना रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, तो उस यू नो उसको ईल स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ ईल स्ट्रेंथ इट इज़ स्ट्रॉन्गर। सो हमने पिछले बार वीडियोस बनाया था, काफ़ी उस पर रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों के कमेंट आए। यस, सो हमारा हमने एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया है, मैं उसके बारे में दिखाती हूँ। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा स्लिम लाइन प्रोडक्ट। जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, ये जो विंडो है ये हम 4.5 मीटर के हाइट तक ले जा सकते हैं। तो एक सिंगल 4.5 मीटर अराउंड 15 फीट हो गया, तो 15 फीट टॉल हो सकता है एक सिंगल विंडो। एंड विथ में इसका जो एक सिंगल शटर है ये अराउंड 2.5 मीटर विथ में हो सकता है, तो 8 फीट से ज़्यादा वाइड हो सकता है एक सिंगल शटर। तो सिंगल शटर 8 फीट वाइड और 15 फीट टॉल हम बना सकते हैं, राइट? सो अगर आपके घर में यू नो बड़ी
सी ओपनिंग है वहाँ पर आप इसको यू नो यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बड़े साइज़ में भी ये बहुत ही स्टर्डीली ऑपरेट होता है, अगर यू नो ये साइक्लोन के अगेंस्ट टेस्टेड है वहाँ पर रेजिलियंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये बहुत ही सुंदर दिखता है, यू नो विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि विंडोज़ अच्छे दिखे बहुत, तो यू नो इट लुक्स वेरी नाइस। एक और स्पेशलिटी है इसकी, इसका जो ये ट्रैक है ये फ्लोर के अंदर घुस जाता है जी। तो उससे क्या है कि आप अगर जब चल रहे हैं तो यू नो कोई वो नहीं आता है बीच में, कोई यू नो कुछ अड़चन नहीं आ रही है। अच्छा। आप इसके ऊपर से आराम से चल सकते हैं, यू नो देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो यू नो नहीं तो अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कोई गिर सकता है, वो सारे रिस्क होते हैं, तो कम्प्लीटली फ्लश कर सकते हैं। एंड लास्ट, आप कहीं पर कमर्शियल एरियाज है जैसे मॉल्स है या कहीं पर आप कमर्शियल एरिया में लगा रहे हो तो वहाँ पर कोई ये डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली नहीं, इवन घरों में अगर जैसे आपका विला है आप लिविंग रूम में लगा रहे हो, आगे गार्डन है तो उस एरिया में भी जब आप लगा रहे हो तो आप यू नो आप ये खोल कर एक पूरा ओपन एरिया बन जाता है, आप यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर इस जब ऐसा होता है तब यू नो लोगों को डर लगता है कि व्हाट इफ वाटर कम्स इनसाइड, पानी अंदर आ जाएगा। तो इसका एक पूरा रोबस्ट ड्रेनेज मैकेनिज्म है जहाँ से पानी, एक्चुअली एक हिडन ड्रेनेज है इसके अंदर जहाँ से पानी उस ड्रेनेज में जाएगी और फिर बाहर एक गटर मैकेनिज्म है जिससे वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एक हिडन ड्रेनेज मैकेनिज्म भी है जिससे पानी अंदर नहीं आएगी। सी फ्लोर पे ही नहीं, इवन ऑन ऑल दी अदर थ्री साइड ये वॉल के अंदर आप कम्प्लीटली फ्लश कर सकते हो। तो एक्चुअली जब ये विंडो बंद रहेगा तो आपको सिर्फ एक सेंटर में एक लाइन दिखेगी और यू नो कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। जैसे किस तरह का ऑपरेशन रहता है इसकी? यस, तो आप इसको बहुत ही इजीली क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखो तो ये कम्प्लीटली शट फ्रेम के अंदर जा चुका है। तो जब आप क्लोज कंडीशन में आप दूर से इस विंडो को देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक सेंटर की एक लाइन दिखेगी। सो ऑल फोर साइड से ये वॉल के अंदर जा चुकी है और यू नो सिर्फ सेंटर में आपको दिखेगा। सो ऑलमोस्ट इनविजिबल विंडो आप इसको बोल सकते हो। और इतना हाइट एंड वेट है बट आप इजीली इसको आप बहुत इजीली मूव कर सकती हूँ मैं तो ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करती बट यू नो स्टिल आई एम एबल टू यू नो मूव इट वेरी नाइस। तो आप एक्चुअली देखोगे इसके जो रोलर्स है ना, नॉर्मली रोलर्स ये शटर में रहते हैं, हाँ ये ब्रास के रोलर्स है और हमने इसको फ्लोर पे डाला है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक तो ग्लाइडिंग बहुत इजी होती है, इट्स ऑलमोस्ट ग्लाइडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो एक बड़ा बेनिफिट है। फिर ये ब्रास के बने हुए हैं तो करोजन रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है इसमें, ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई है और ये इजी क्लीन है। ये इसके जो ब्रैकेट्स है बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं उसको, यू नो बहुत नॉर्मल किसी भी हाउस होल्ड आइटम से आप उसको क्लीन करके वापस से लगा सकते हो। क्लीनिंग बहुत ईजी है, अलग से निकाल सकते हैं ये निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा है छोटा सा कट है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा कट है, तो वहाँ से आप इसको इतना को निकाल सकते हो, इसमें नॉर्मल क्लीनिंग करके आप इसको वापस डाल सकते हो। इससे ये भी बेनिफिट है अगर कोई मेंटेनेंस करना है, कोई एक पीस खराब हो गया है, कोई करेक्शन करना है तो वो भी बहुत ईजी है। जब ये रोलर शटर में होते हैं तो आपको अगर कुछ मेंटेनेंस करना है पूरे शटर को निकालना पड़ेगा। आप इमेजिन 4.5 मीटर एंड 2.5 मीटर्स का एक शटर को अगर निकालना हो एक रेडी घर के अंदर जहाँ पर फर्नीचर लगा है, कितना डिफिकल्ट काम होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने ध्यान में रखी है वाइल मेकिंग दिस प्रोडक्ट। और फुली ये साउंड प्रूफ आपका हो जाएगा जहाँ पर साउंड प्रूफ है बिकॉज यू नो ये उसके अंदर घुस जाता है तो ऑल फोर साइड से प्रॉपर इंसुलेशन है। मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगी, आप इसको यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर वुलपाइल है जी। तो इससे क्या होता है कि अगर जो भी छोटी छोटी गैप्स रहती है वो भी सील हो जाती है। सो इसका साउंड इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और कुछ प्राइस रेंज का कुछ आइडिया दे सकते हैं? प्राइस रेंज वेरीड है लेकिन 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। सी ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो प्राइस डिपेंड करता है कि क्या साइज़ में है, ग्लास किस तरीके का यूज़ हो रहा है इसमें, उन सब चीज़ों पर आपकी साइट की कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर बहुत बड़ा साइज़ हो और साइट में प्रॉब्लम्स हो तो जैसे ऑलमोस्ट एक क्रेन मंगवाना पड़ता है इसको इंस्टॉल करने के लिए, छोटे साइज़ में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो उन सब चीज़ों से प्राइस डिपेंड करता है बट 2000 रुपीस पर स्क्वायर फीट से इसकी स्टार्टिंग है। तो ये फुली कस्टमाइजेबल है, आप चूज कर सकते हो कि ग्लासेस किस तरह के आपको लगाने हैं। yes. जो भी प्रोडक्ट्स आप इसमें लगाने हैं आप कलर भी चूज कर सकते हो, आप
हाँ, साइज, कलर, ग्लास, ये सारी चीज़ें, हैंडल्स, ये सब चीज़ें इसमें चूज करके कस्टमाइज कर सकते हो। जी जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर देखें मैम। यस, सो ये है हमारा लिफ्ट एंड स्लाइड प्रोडक्ट। ये देखने में एक नॉर्मल स्लाइडिंग की तरह लग रहा है, बट इसकी यूनिकनेस मैं बताती हूँ। तो बहुत ही इजी टू ऑपरेट है, बहुत ही एकदम स्मूथ है, एक छोटा बच्चा भी इसे फ्लुएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर जिस भी पॉइंट पर आपको चाहिए आप इसको टर्न करिए, ये लॉक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब मैंने इस हैंडल को ऊपर किया तो ये पूरा शटर नीचे चला गया और एकदम ग्रिप बना लिया इसने ट्रैक के साथ, तो अब ये मूव नहीं होगा। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, नहीं तो यू नो मूव करते रहता है पैनल। सो एंड इसको जैसे ही किया इट विल स्टार्ट मूविंग अगेन वेरी स्मूथली, क्योंकि जब आप ये बंद कर रहे हो ये नीचे जाके एंगेज हो गया है, तो इससे साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यू नो पर काफ़ी सारी अपने ये सर्टिफाइड एज पर विंड वाटर एंड। यस, सो हम क्या करते हैं, हम वी डू समथिंग कॉल एज वीवा सर्टिफिकेशन। वीवा इज विंड वाटर एंड एयर सर्टिफिकेशन। तो विंड मतलब साइक्लोन सेफ्टी, वाटर मतलब बारिश में वाटर का लीकेज, एयर मतलब डस्ट पोल्यूशन नॉइज से प्रोटेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 10 इन तीनों में 10 का रेटिंग है, राइट? बट जैसे कोई दूसरा प्रोडक्ट हम देखेंगे तो उसमें 9 होगा, 8 होगा। तो हमारे पास भी प्रोडक्ट है जिसमें किसी में 7 रेटिंग है, 8 है, 9 है, 10 है। दिस इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग ऑन ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स। हमने यहाँ पर यू नो ये सारे ASTM स्टैंडर्ड विच इज़ द अमेरिकन स्टैंडर्ड से टेस्टेड है, तो उसके डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर। ये जो विंडो है ये 3.5 मीटर हाइट तक जा सकती है, विच इज़ 12 फीट रफली, एंड ईच शटर कैन गो 2 मीटर्स, सो विच इज़ स्लाइटली लेस देन 7 फीट। सो अगेन काफ़ी बड़े पैनल्स बनाए जा सकते हैं इसमें। इसमें भी आप देखेंगे जो सेंटर है ये बहुत ही स्लीक है, तो ये हार्डली 20 mm है। तो जब ये क्लोज रहेगा, आप यू नो अपने लिविंग रूम में बैठे हैं सोफ़ा पे, आपको सिर्फ ये पतला सा 20 mm वहाँ पर दिखेगा, राइट? इसमें और प्रीवियस प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है कि इसके जो साइड्स है वो अंदर फ्लश नहीं होते ऊपर से, वो आपको विजिबल रहेंगे, राइट? बट बॉटम अगर हम चाहे तो इसका भी हम फ्लश कर सकते हैं फ्लोर के अंदर। फ्लोर के अंदर इसे कर सकते हैं। हाँ, ये फ्लोर के अंदर जा सकता है। यहाँ पर हमने फ्लोर के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है, बट अगर चाहे तो इसको भी हम फ्लोर के अंदर फ्लश कर सकते हैं। तो सारे आपके खुद के पैरामीटर्स है, और जो भी आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपर टेस्टिंग। यस, इसी आदित्य बिरला ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी प्रोडक्ट दें वो यू नो अच्छे क्वालिटी का हो। जी जी। तो इसीलिए हमने यू नो ये इंश्योर किया है कि कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में नहीं लाएंगे जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो प्रॉपर यू नो इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इसे टेस्ट किया है, सर्टिफाई किया है, एंड उसके बेसिस पर ही हमने ये प्रोडक्ट्स लाए हैं। इसके कुछ प्राइस रेंज का आइडिया दे सकते हैं आप? ये सो हमारे पास काफ़ी प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स है। आई थिंक स्टार्टिंग ₹1000 पर स्क्वायर फीट से यू नो आप सोच सकते हैं रफली स्टार्टिंग रेंज, एंड इट गोज़ अप टू ₹2500 पर स्क्वायर फीट। सो स्लाइडिंग विंडोज़ में हमारे पास वो स्टार्टिंग रेंज ₹1000 से है, एंड आप जितने लग्जरी प्रोडक्ट्स में जाएंगे एंड यू नो से लग्जरी हार्डवेयर यूज़ करेंगे, लग्जरी कलर्स चूज़ करेंगे, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। सो जैसे हमने स्लिम लाइन के बारे में बात किया, वो ₹2000 ऑनवर्ड शुरू होती है, बट रेगुलर स्लाइडिंग ₹1000 ऑनवर्ड शुरू होती है। तो ये जो हमने अभी स्लाइडिंग प्रोडक्ट देखा उधर, ये उसका वेरिएशन है। इसे हम कॉर्नर ओपनिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो विंडोज लगे हैं या दो डोर्स लगे हैं, ऐसा है जो एक सेंटर में मीट हो रहा है। अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये पूरा कॉर्नर आपका ये ओपन हो गया। ये पूरा कॉर्नर आपका ओपन हो गया है। सो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि आपको एक पिलर मिलेगा या एक फ्रेम मिलेगा, बट हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वंस यू ओपन इट ये पूरा कॉर्नर आपका क्लियर हो। तो मैम ये जो अलग अलग फिनिशिंग में, जैसे अभी ये वुड फिनिशिंग में है, तो अलग अलग इसकी आप जो भी अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग जो भी फिनिशिंग आप मांगना चाहते हो उसमें आप आ जाएंगे, आपको जो कलर चाहिए वो पॉसिबल है। वुड फिनिश में भी मल्टीपल शेड्स पॉसिबल है, ये सिर्फ एक शेड है। नॉर्मल कलर्स में भी पॉसिबल है, आपको मेरा वाला ब्लू एंड मेरा वाला पिंक अगर चाहिए तो वो शेड भी हम दे सकते हैं। एनी कलर कैन बी गिवन। और जो भी आप एसेसरीज या इसमें लगाते हैं वो सारी आपकी खुद की कंपनी के प्रोडक्शन है?
ये नहीं, हमारे थ्रू ये विंडो हमारे थ्रू असेंबल्ड है. कुछ कंपोनेंट्स है जो हम खुद बनाते हैं हमारे प्लांट्स में. वी हैव 5 प्लांट्स, एक्सट्रूजन प्लांट्स इन इंडिया जो हम खुद बनाते हैं. कुछ कंपोनेंट्स है जो हम बाहर से प्रोक्योर भी करते हैं. सो कॉम्बिनेशन है, कुछ हमारे कंपोनेंट्स है, लेकिन जो हम प्रोक्योर भी करते हैं वो हमारे स्पेक्स के हिसाब से बनते हैं, हमारे क्वालिटी चेक प्रोसेस से जाते हैं, हमारे लोगों के साथ आता है. सो यस, 100% कॉम्पोनेंट हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट हमारे स्पेक्स के हिसाब से प्रोक्योर होते हैं. अब देखिए, बिजनेस पर्पज से अगर कोई एज ए बिजनेस आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, या एज ए कस्टमर कोई जुड़ना चाहे वो कैसे आ सकते हैं? तो अगर कोई ऐसे कस्टमर जुड़ना चाहे तो वो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं. आई थिंक कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में वो नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं. सो अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो उस पे जुड़ सकते हैं. हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.eterniawindows.com. वहाँ पर जाकर आप एक क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर से आपको इमीडिएटली कॉल आ जाएगा. वहाँ पर चैट की सुविधा भी है, तो आप चैट में भी बात कर सकते हैं. तो एज ए कस्टमर अगर आप जुड़ना चाहे तो ये सारे तरीके हैं. हमारे पैन इंडिया चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स एज वी कॉल इट. सो अगर आप हमसे एज अ बिजनेस के तौर पर जुड़ना चाहे तो आप हमारे चैनल पार्टनर बन सकते हैं. उसके लिए भी आप हमारे कस्टमर केयर नंबर या हमारे वेबसाइट पर जाकर एक क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी विल गेट इन टच विथ यू. तो ये आफ्टर सेल सर्विस का क्या रहता है, इसमें गारंटी वारंटीज भी रहती है? यस, सो इटर्निया प्रोवाइड्स अ वारंटी. सो प्रोफाइल पर हम 12 इयर्स की वारंटी और हार्डवेयर पर 2 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, विच मींस कि अगर उस टाइम पर इन एरियाज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी. इवन इफ द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ वारंटी, कंपनी विल प्रोवाइड द सोल्यूशन, बट यू नो इट देयर मे बी सम चार्जेस एसोसिएटेड विद इट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट द वारंटी इज कमिंग from the Aditya Birla Group, right? So, and you know, as a group, we have been there for more than 50 years in the country, right? So, you know ki 12 years warranty bolna bahut easy hai, but 12 years, agar aapke 12th year mein koi problem hai, aur aapne call kiya and the company does not exist, toh aap kya karoge us warranty ka? But with Aditya Birla Group, you know that, you know, we have been there for so many decades and we are there to stay. So, you know, at all time, aap hamare customer care number pe call kar sakte ho and aapke problem ka resolution hoga. तो जैसे अगर वंस अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो जैसे उनकी मेजरमेंट लेने के लिए या कैसे साइट विजिट करते हैं या कैसे करते हैं? तो यस, हमारे जो लोकल पार्टनर्स होते हैं हर सिटी में, वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. उनके तरफ से कोई आकर एक सर्वे करेगा आपके साइट का, एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया जाएगा, वो हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट होता है और फिर सॉफ्टवेयर से प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं जिससे फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन होती है, असेंबली होती है, एंड फिर वो साइट पर भेजा जाता है. एंड अगेन साइट पर इंस्टॉलेशन आकर वो फुल्ली इंस्टॉल करती है. सो एवरीथिंग फ्रॉम टेकिंग मेजरमेंट टू अरेंजिंग फॉर लॉजिस्टिक्स टू यू नो डूइंग द इंस्टॉलेशन एट साइट एंड देन हैंडओवर एंड वारंटी इज टेकन केयर बाय यू नो अस और आवर चैनल पार्टनर्स टुगेदर. अच्छा, सो वंस आपको एक बार ऑर्डर देने हैं या जो भी प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड है उस बात करने हैं, उसके बाद सारा जो है काम आपके हाथों में. यस, उसके बाद सारी प्रॉब्लम हमारी है. यू नो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्लेस योर ऑर्डर एंड देन बी रिलैक्स्ड. एंड मैम, एट लास्ट में आप कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? आई विल ओनली से कि यू नो एल्यूमिनियम एक बहुत ही सस्टेनेबल मटीरियल है, 100% रिसाइक्लेबल मटीरियल है. ड्यूरेनियम उसका ही एक वेरिएशन है, उसका ही एक अडेप्टेशन है. तो आई वुड जस्ट से कि एल्यूमिनियम विंडोज़ को अडॉप्ट करिए रायर देन एनी अदर मटीरियल. वो एक मैं फ़र्स्ट चीज़ बोलूँगी. चाहे आप हमारा ले या किसी और कंपनी का ले, वो सेकेंडरी है, बट एल्यूमिनियम विंडोज़ के लिए जाइए. दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, राइट? बिकॉज अब जैसे कि आप जब एसी खरीदते हैं तो आप रेटिंग देखते हैं, राइट? 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो आप विंडो खरीदने के टाइम वो रेटिंग सर्टिफिकेशन क्यों नहीं देख रहे हैं? बिकॉज यू नो एक विंडो आपको बाहर के सारे एलिमेंट्स, पोल्यूशन, साइक्लोन्स, वॉट रेनफॉल, इन सब से प्रोटेक्ट कर रहा है. यू नो नॉइज़ पोल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, इन सब से विंडो ही है जो प्रोटेक्ट कर रहा है. तो आप विंडो खरीदने के टाइम पर सर्टिफिकेशन क्यों नहीं देखते? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले बट एल्यूमिनियम का ले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ले. आप डिमांड करिए कि आप हमें सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपकी किस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट सर्टिफाइड है. आप सर्टिफिकेट यू नो देखने की डिमांड करिए, बट यू नो टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही ले. चलिए मैम, थैंक यू सो मच.